Yesterday, the capital had witnessed its hottest day this season, with temperatures reaching 43.7 degrees Celsius. The IMD has sounded a red alert for the next 2 days in Delhi, which is already reeling under a severe heat wave. For today, the Met Department has predicted that the maximum and minimum temperatures are going to be 44 and 28 degrees Celsius, respectively. And it's not just Delhi, India's financial capital, Mumbai. Residents have been advised to not go out between 1 p.m. and 3 p.m. because temperatures are between the mid-30s and the 40s. My colleague Shivani brings you a ground report for more. आर्थिक राजधानी मुंबई में भी गर्मी भीषण है और इसका असर लोगों पर देखने को मिल रहा है। बात पूरे महाराष्ट्र की करें तो मार्च के महीने में भी 70 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इस गर्मी की वजह से, उष्णता की वजह से गवाई है। और फिलहाल मुंबई के अंदर 34 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन 40 से भी ज्यादा की तपिश जो है वो महसूस की जा सकती है। और इसीलिए अगर आप जूस सेंटर्स का हाल देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लोग जो है वो बड़ी मात्रा में नजर आएंगे। दिन का समय है लेकिन उसके बावजूद भी धूप खिली हुई है और उसी में लोग जूस पीते नजर आ रहे हैं। बातचीत भी करेंगे कुछ लोगों से। फिलहाल जिस तरीके का समय है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जूस उस लिए पिया जा रहा है या स्वाद के लिए पी रहे हैं? किस तरीके से गर्मी से बचाते हैं अपने आप? नहीं, स्वाद तो है ही इसका, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज्यादा है कि सुबह से शाम तक मतलब जूस पी के, पानी पी के, कुछ न कुछ करके बॉडी को डिहाइड्रेटेड तो रखना ही है, तो इसीलिए टाइम टू टाइम पीते रहते हैं। क्या किया जाए, और कोई रास्ता है नहीं। आजकल सब जगह यही चल रहा है, सब लोग जूस पी रहे हैं और अपना समय बिता रहे हैं, क्या करें। ये तस्वीरें हैं, बच्चे हो बड़े हो, दुकान में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग इसी समय की जो भीड़ है वो नजर आती है। आप भी गर्मी से बचने के लिए जूस पी रहे हैं या स्वाद के लिए पी रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए। ज्यादा गर्मी है पहले से? ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं। ये रिक्शा चालक हैं भाई साहब, जो यहाँ पर अब अपनी रिक्शा रुकाकर जूस पीते नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का हाल है वो पूरे मुंबई में देखने को मिल रहा है, और इसलिए ये एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जब तक जरूरत ना पड़े तो दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के बीच में लोग जरूरी काम से ही बाहर निकले, अन्यथा न निकले। और फिलहाल स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं जिसके चलते बच्चों को राहत है, लेकिन ऑफिस जाने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो बड़ी मात्रा में इस गर्मी की तपिश से काफी ज्यादा लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। उष्णता से लोगों की मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, जो कि गंभीरता का विषय सरकार के लिए और लोगों के लिए बना हुआ है।